Hello everyone, this is Avid Academy Rachi and we are going to have a discussion on the largest active volcano in the world, Mauna Loa. Mauna Loa, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, ये न्यूज आ रही है हवाई से, यूएसए से। तो पहले तो ये समझते हैं कि एक्टिव वॉल्केनो होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, मतलब कि कितना बार वो इरप्ट करेगा, इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्केनोज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है एक्टिव वॉल्केनो का। एक्टिव वॉल्केनो मतलब ऐसा वॉल्केनो जिसमें से इरप्शन काउज हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पर। माना जाता है कि कम से कम 500 से भी अधिक वॉल्केनोज ऐसे हैं दुनिया में जो कि अभी एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल मौना लोआ तो है ही, उसके साथ साथ एक वॉल्केनो है आपका स्ट्रोम्बोली जो कि इटली के पास है, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। अदर है कोटापेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा वर्ल्ड हाईएस्ट और वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनोज में। हाईएस्ट वॉल्केनो कौन है, कोटापेक्सी है। वेयर एज एक और इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है माउंट एरेबस। ये प्रीलिम्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माउंट एरेबस जो है वो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि एंटार्क्टिक में अवेलेबल है, एंटार्क्टिक में लोकेटेड है। वेयर एज इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्केनो, क्योंकि सिर्फ इकलौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो जो कि इंडिया में अवेलेबल है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो है और कुछ ही साल पहले इसमें इरप्शन भी हुआ था। मैं हो सकता है तो उसका वीडियो जो है वो डाल दूंगा। वेयर एज जो सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्केनोज आप कह सकते हैं वो होते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो अभी तो शांत हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं है कि वो कब विस्फोट करेंगे और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन काउज करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं माउंट वेसुवियस जो कि इटली में है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। वेयर एज थर्ड कैटेगरीज में जो वॉल्केनोज को हम लोग रख सकते हैं वो है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब कि जो विलुप्त हो चुके हैं ऐसे वॉल्केनोज, जो कि अब ऐसा है नहीं कि वो विस्फोट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, या फिर माउंट चिम्बोराजो जो इक्वेटर में है। कोटापेक्सी के पास ही है ये दोनों, लेकिन चिम्बोराजो जो है वो अब एक्सटिंक्ट है, वो कभी अब ब्लास्ट करेगा नहीं। एक और इंपॉर्टेंट है माउंट एकनाकागुआ जो कि एंडेस माउंटेन में है, ये हाईएस्ट पीक भी है एंडेस माउंटेन का। सो ये सारे कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिव वॉल्केनो के जो पार्ट हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, कोटापेक्सी, माउंट एरेबस और बैरन आइलैंड जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से मौना लोआ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मौना लोआ है कहाँ। मौना लोआ वन ऑफ द फाइव वॉल्केनोज है जो कि मिलके बनाते हैं द बिग आइलैंड हवाई। हवाईयन आर्किपेलागो में ऑन टोटल 137 आइलैंड हैं। उसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो हवाई का आइलैंड है, और उसमें पांच ऐसे वॉल्केनोज हैं जिसमें कि सबसे बड़ा जो वॉल्केनो है वो है मौना लोआ। हवाईयन आर्किपेलागो जो है वो रिंग्स ऑफ फायर में आता है, यानी कि ये ऐसा जगह है जहां पर आपको अर्थक्वेक मिल जाएगा, जहां पर आपको सुनामी मिल जाएगा, जहां पर आपको वॉल्केनिक इरप्शन मिल जाएगा। मतलब पूरा डिजास्टर, जितने भी डिजास्टर आप समझ सकते हैं, वो सारे ये सारे जो जगह आते हैं रिंग्स ऑफ फायर में, फॉर एग्जांपल हवाईयन आइलैंड हो गया, पैसिफिक में जो भी आइलैंड्स होते हैं इस तरह से समझिए, पैसिफिक में जो भी आइलैंड जैसे हवाईयन है, जापानीज आइलैंड्स हैं, ये सारे आइलैंड जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक से, सुनामी से और वॉल्केनोज से। अभी भी जो मौना लोआ के साउथ में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है किलाउए, वो इरप्ट कर रहा है। इट इज इरप्टिंग और इट हैज काउज्ड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू द एडजेसेंट सिविलाइजेशन इन हवाईयन आर्किपेलागो। ये अभी भी इरप्ट कर रहा है और ये एक्टिव वॉल्केनो है, और ये दोनों साथ में ही कभी कभी देखा गया है कि इरप्ट करते हैं। और क्योंकि किलाउआ जो है वो 2021 सितंबर से फिर से इरप्ट करना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और ऐसी सिस्मिक एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं मौना लोआ के पास कि ये भी क्या करेगा, इरप्ट करेगा। और क्योंकि मौना लोआ जो है उसका हाइट ज्यादा है किलाउआ से, तो हो सकता है कि इसका जो इरप्शन होगा ना वो बहुत ही तेजी से लावा क्या करेगा, फैलेगा पूरा हवाईयन आइलैंड के चारों तरफ, और हो सकता है कि एक
लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। आपको समझने के लिए ये फिगर को थोड़ा सा देखना जरूरी है। लेट्स हैव अ लुक। इस फिगर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से अगर इरप्शन कर रहा है तो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ से ये पूरा जगह में 8 दिन में ही लावा पहुंच जाएगा। ओके 29 घंटा में यहाँ पहुंच जाएगा, 3.5 घंटा में यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक बार अगर ये इरप्ट करना शुरू कर रहा है ना तो बहुत ही कम टाइम लगेगा और पूरा जो हवाईयन आइलैंड है ना उसको 280 दिन में कवर कर सकता है। ये मौना लोआ का बाउंड्री है, यू कैन सी आउट हियर, इतना दूर तक इसका जो इरप्शन है वो फैलता है। गॉट इट ना? और कितना फैलता है ये भी आप देख लीजिए, ऑन टोटल 6 मिलियन मीटर क्यूबिक पर डे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा डेंसिटी का लावा फ्लो होगा। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लैंड का क्रिएशन हो रहा है, लेकिन ऑफकोर्स अगर सिविलाइजेशन आसपास है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा, जो कि किलुआ के केस में हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था। और इसीलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी। इसको दो चीज से जोड़ के देखें, इंडिया में कोई ज्यादा वॉल्केनोज नहीं है, हमारा पूरा जो एरियाज है ना, पूरा जो हमारा मेन लैंड है, आइलैंड का पार्ट हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें कोई भी हमारे पास वॉल्केनोज नहीं है, एक्टिव वॉल्केनो तो छोड़ दीजिए। दूसरा, सिर्फ एकमात्र एक वॉल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। दुनिया में कहां कहां वॉल्केनोज है और उससे क्या डिस्ट्रक्शन काउज हो रहा है, वो हमारा मींस का भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑफकोर्स क्योंकि अगर ये इरप्ट करेगा तो हमारा प्रिलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका हम लोगों ने फ्लो देख लिया। नाउ इट्स इनॉर्मस साइज में अलाउ इट टू स्टोर मोर मैग्मा, क्योंकि ये इतना बड़ा है इसलिए ज्यादा मैग्मा को स्टोर करेगा और ज्यादा डिस्ट्रक्शन काउज करेगा। करंटली मॉनिटर कर रहे हैं द हवाईयन वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी, इट हैज मोर देन 60 जीपीएस स्टेशन जो कि सारे मेजरमेंट ले रहे हैं, सारे जो सिस्मिक एक्टिविटी है ना उसको फॉलो अप कर रहे हैं। अगर नटसेल में मुझे बताना हो कि वॉल्केनो कैसे काउज होता है तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर जिससे हो सकता है आपको समझ में आए। मान लीजिए कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और एक ये जो है एक दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो होगा क्या कि एक नीचे चला जाएगा और एक उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में जो नीचे जा रहा है ना वो क्या होगा, मैग्मा जो स्टेनोस्फेयर में लोकेटेड है उसके कांटेक्ट में जब आएगा तो ये मेल्ट होने लगेंगे और फिर यही जो लावा है ना, यही जो मैग्मा है, ये ऊपर आना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर वॉल्केनिक एरप्शन होगा। यानी कि सिंपल पॉइंट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो एक प्लेट जो होता है वो दूसरे के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से वॉल्केनिक इरप्शन काउज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ सकते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज गिव राइज टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी आ जाएगा क्योंकि दो प्लेट टकरा रही हैं, तो क्या होगा कि अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। अर्थक्वेक आने से सुनामी भी आ सकता है, और सुनामी अर्थक्वेक के बाद अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो फॉर वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है ना वो कोरिलेटेड है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से। ओके सो ये पूरा पॉइंट जो है वो आपका कंप्लीट होता है, प्रिलिम्स मेंस सारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा पॉइंट था। ऑफकोर्स ये जो न्यूज आया उससे हम लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है वॉल्केनो के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।